38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, यानी कि ये हुए 30,000 डेली का, 1,000 यानी कि 30 दिन में 30,000, तो डेली का 1,000। दोस्तों क्या देख रहे हो, ये जो आप पैसे देख रहे हो ना, ये फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐप्स है हमारे पास, उस ऐप्स का रील्स डाउनलोड करते हैं, फेसबुक पे पेस्ट कर देते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। और पता है ये चाइनीज रील्स की अर्निंग है, और ये पूरा भी इतना तो बचा ही है। तो आपको ये अर्निंग करने के लिए क्या करना होगा, एक ऐप्स का जो हम आपको देंगे, उस ऐप्स का रील्स डाउनलोड करके फेसबुक पे अपलोड करना है। आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कहेंगे कि भैया तुम्हारे पास कोई पेज है जिसपे आप ये जो रील्स आप बता रहे हो वो अपलोड करते हो, और उस रील्स से आपका जो पेज मोनेटाइज है, और वहां पे अगर मोनेटाइज है, अर्निंग हुई है, तो बताओ कि आपका पेड हुआ है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको फेसबुक में लेके चलते हैं। फेसबुक पे जैसे ले जाएंगे और यहाँ पे थ्री लाइन पे आपको क्लिक करेंगे, और ये देखो कॉमेडी स्टार, लेकिन इसको हटाओ, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे, और जस्ट रीच वगैरह देख लो, लेकिन रीच को छोड़ो, यहाँ पे गोली मारो। यहाँ पे आपको दिख रहा है पेआउट्स, पेआउट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। पेआउट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे $0 दिख रहा होगा, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नीरज कुमार, ठीक है। ये नीरज कुमार पे जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे नीरज कुमार, यहाँ पे जस्ट अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे नीचे दिखेगा चार यहाँ पे आईडी, ठीक है, चार पेआउट्स, ये चार पेआउट्स यानी कि चार तरीके से पैसे कमा रहे हैं। यस, यहाँ पे सुभाष कुमार पे जस्ट सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डॉलर वगैरह दिखाई देगा, ठीक है। तो नीचे देखो 18 फरवरी को कितना, $103, और उसके नीचे क्या है, सुभाष यादव ऑफिशियल, फिर से $103, ये जनवरी 31 को। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये तो 2022 की अर्निंग है, यानी कि आप 2022 से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यानी कि इतना टाइम से आपने कितना अर्निंग किया है। तो चलिए दोस्तों, ये सारा अभी तो नहीं शो करा सकते, क्योंकि कुछ प्राइवेसी इशू है, नहीं तो सारा पेआउट्स अगर आपको शो किए कराए तो ये आपको बहुत ही ज्यादा लगने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको अर्निंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एक ऐप है जो कि इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे टिकटॉक, इस ऐप्स का ही हम लोग रील्स को डाउनलोड करते हैं और बिना एडिटिंग के फेसबुक में अपलोड कर देते हैं। लेकिन ऐसा वैसा पेज पे नहीं, आपके पास कोई ऐसा पेज होना चाहिए जिस पेज पे कोई पॉलिसी इशू ना हो, किसी पेज पे उस पेज पे पेज है सम इशू ना हो, या फिर वो पेज नॉट रिकमेंडेबल ना हो। मतलब ये तीन चीजें उस पे नहीं होना चाहिए, पॉलिसी इशू, पेज है सम इशू और नॉट रिकमेंडेबल। अगर ये तीनों चीज नहीं है तो आप ये रील्स यहाँ से डाउनलोड करके उस पे अपलोड करोगे तो 100% वायरल होगा, और ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग वहां से अर्निंग कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छा साफ सुथरा पेज चाहिए, जो कि एक पेज रिकमेंडेबल पेज हो, ठीक है। और उस पेज पे आपको ये रील्स को यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करना है, और फिर वहां से अर्निंग होगी आपकी। लेकिन आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स ये कहेंगे कि भाई ये जो ऐप आपके पास है हमारे पास कैसे आएगा, तो चलिए वो आपके पास एकदम सही सलामत चला जाएगा। वो कैसे, सारा कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम है और सच में आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो ना, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं आपके लिए मल्टीपल तरीके लेके आता हूँ जिससे कि आप फेसबुक से अर्निंग कर पाओ। और ये मल्टीपल तरीके क्यों लेके आते हो, इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनको लगता है कि भाई ये तरीका बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका बताओ। तो फिर दूसरा तरीका बताते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसे देख देख के आप जो आसान तरीका लगे उस आसान तरीका को अपनाओ और उस पर काम करो और फिर अर्निंग करो। अब आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे पैसे दे के, मेरे पेमेंट देख के कहोगे भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, हम भी आ जाए, तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीखना पड़ेगा। यानी कि सीखने के लिए क्या, मेरी वीडियोस देखो या फिर किसी और की वीडियोस देखो, लेकिन किसी की भी वीडियो देख के सीखो कि आखिरकार ये ऑन ये कॉपी पेस्ट जो वर्क होता है वो होता कैसे है। वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आपको बता दूं कि इसको ज्वाइन, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप उस टेलीग्राम चैनल को ओपन करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, आप किटकिट बॉय करके भी आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे आना, ऊपर सर्च करना किटकिट बॉय, और जैसे आप वहां पे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा चैनल आएगा, उसको क्लिक करना, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये जो ऐप आपको काइन मास्टर का दिख रहा है ऐसा ही सेम ऐप आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा, जिसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप सर्च करके जाना चाहते हो तो वहां से जाओ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब प्रोसेस आता है कि इस ऐप से हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टिकटॉक को ओपन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हमारा काम होगा टिकटॉक को ओपन करना। जैसे हम लोग टिकटॉक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो है इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके वहां से ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है तो ऐसा चल रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ रील्स यहाँ पे शो करेंगे, और उसको कैसे डाउनलोड करना है अब हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारी रील्स दिखेगी, आपको यहाँ पे चॉइस करना है कि आप किस कैटेगरी के रील्स डाल रहे हो, यानी कि आप अगर कॉमेडी रील्स डालना चाहते हो तो कॉमेडी रील्स ही डालना। और एक बात, आपका जो कॉमेडी रील्स अगर डाल रहे हो, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे
क्रिएटर्स है जो कि उनको पता ही नहीं है कि उनके पेज का कैटेगरी कुछ और है, और वो लाइक वहाँ पे पेज पे कुछ और अपलोड कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जीरो व्यूज प्रॉब्लम है, यानी कि व्यूज ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम लोग कॉमेडी रील्स डालेंगे तो आपका पेज का जो कैटेगरी है वो कॉमेडी होना चाहिए। फर्स्ट तीन कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करना होता है जब आप पेज बनाते हो, पहला कॉमेडियन, दूसरा कॉमेडी क्लब और तीसरा होता है एंटरटेनमेंट। और ये तीन पेज का अगर आपका कैटेगरी है और आप कॉमेडी रील्स डाल रहे हो तो आपका जो है कि रील्स इजीली वायरल हो जाता है, यानी कि पेज का सेम कैटेगरी होगा तभी आपका जो है कि रील्स वायरल होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे कोई भी रील्स आपको पसंद आ गया तो यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं देंगे। मान लो कि ये जो रील्स है, एक बिल्ली है और उसका बच्चा है और इसका मसाज कर रहा है, ये देखो कितना अच्छा रील लग रहा है ना, तो इस टाइप की रील्स जो है बहुत ज्यादा वायरल होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 61,000 लाइक है और कितना शेयर कितना है 63,000, यानी कि लाइक से ज्यादा तो यहाँ पे शेयर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस रील्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जस्ट शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ये शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट शेयर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये लिंक वाला जो ऑप्शन है, दो नंबर वाला, यहाँ पे ध्यान से देखो, दो नंबर वाले पे आपको क्लिक करना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया ऐसे, तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये चाइनीज है ना भाई, और चाइना में आपको पता है कि रील्स वहाँ पे फेसबुक बैन है और यूट्यूब बैन है, तो वहाँ के रील्स के यहाँ पे जो बाकी इंडियंस लोग है उस रील्स का यूज करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे रील एक को दूसरे नंबर पे क्लिक करोगे तो ये लिंक जो है कि कॉपी हो गया, ठीक है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल में आना है। जैसे आप गूगल में आओगे तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे ये देखो गूगल, तो गूगल में आते ही आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सर्च बार पे आप लोग लिखना है डूइंग, DUYING डूइंग वीडियो। देखो यहाँ पे डूइंग वीडियो डाउनलोड विदाउट वाटरमार्क, जैसे आप इतना लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको टैप कर देना है, ठीक है। आपने वहां से जो लिंक कॉपी किया है यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोग इजी मतलब आसानी से समझ जाओगे, ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिंक को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे इस लिंक को पेस्ट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे खुद ही रील्स जो है वो यहाँ पे दिखेगा, यानी कि आप दिखेगा, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ पे 10-15 सेकंड, उसके बाद ये रील्स शो करने लगता है और वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है विदाउट वाटरमार्क या वाटरमार्क, सबसे टॉप पे आएगा विदाउट वाटरमार्क, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना वीडियो नो वाटरमार्क, ये खुल गया, तो यहाँ पे ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड जो है कि होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो डाउनलोड यहाँ पे होना स्टार्ट हो रहा है, डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो डूइंग ये वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है कि रील्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने का आप में से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स है जिसको प्रॉब्लम होती है, देखो यहाँ पे रील डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि इस रील्स को डाउनलोड करने के बाद एडिटिंग नहीं करना है, जस्ट ऐसे अपलोड करना है। अब आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने शुरू में कहा था कि आपका जो पेज का कैटेगरी अगर सेम होगा, यानी कि अगर आप कॉमेडी रील्स को अपलोड कर रहे हो तो कॉमेडी रील्स में ज्यादा व्यूज होता है और जल्दी वायरल भी होता है, तो उसका जो है कि कैटेगरी सेम होना चाहिए। मतलब कि क्या मैंने बोला था, फर्स्ट कॉमेडियन, दूसरा कॉमेडी क्लब, तीसरा एंटरटेनमेंट, अगर वो होता है तो रील्स जल्दी वायरल होती है। तो हमारा पेज तो वैसा नहीं है, तो हम लोग अगर उस टाइप का फ्रेश पेज बनाना चाहे तो कैसे बनाएं, तो चलिए फेसबुक के अंदर आते हैं, अब इसको अपलोड करना सीखेंगे और इसको वायरल कैसे करते हैं वो सारा कुछ अभी सीखेंगे, ठीक है। तो फेसबुक को यहाँ पे आते हैं, फेसबुक को ओपन करते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे फेसबुक को ओपन कर लिया, देखो। तो देखो यहाँ पे फेसबुक हमारा जो है कि ओपन हो गया, जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है असली प्रोसेस, तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है अगर सच में आप लोग अर्निंग करना चाहते हो तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेजेस पे आपको क्लिक करना है, पेजेस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकॉन दिखेगा, ठीक है। और इस प्लस के आइकन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टिंग का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पेज का नेम आपको डाल लेना है कुछ भी, हमने जैसे कि कॉमेडी स्टार वहाँ पे डाला था, उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ किट किट बॉय, और यहाँ पे लिख देते हैं 07, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। किट किट बॉय 07 नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉमेडियन COMEDIAN, इस चीज को ध्यान रखना आपको, यहाँ पे कॉमेडियन, कॉमेडियन जैसे लिखोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉमेडियन, उसके बाद लिखना आपको COMEDY कॉमेडी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमेडी क्लब, देखना अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। कॉमेडी क्लब देखो हमने क्या लिखा, कॉमेडियन, कॉमेडी क्लब, और तीसरा नंबर क्या, एंटरटेनमेंट। तो इस चीज को ध्यान से देखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जैसे हमने एंटरटेनमेंट लिखा तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एडल्ट एंटरटेनमेंट क्लब, ठीक है। ये तीन आ गया,
3 हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्रिएट पे जस्ट क्लिक करना है। अब हमारा ये जो पेज है प्रोफेशनल पेज बन गया, जो कि पेज पे कोई इशू नहीं है, पेज पे ना तो नॉट रिकमेंडेबल है, और पेज जो है वो पेज है सम इशू भी नहीं है। यहाँ पे जो कि पेज हमारा फ्रेश है, तो यहाँ पे रील्स वायरल होने का ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे वाले पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर से नेक्स्ट करना है, एक बार और नेक्स्ट करना है, अब डन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डन फिर से नेक्स्ट कर देते हैं, अब आएगा डन का ऑप्शन, तो ये डन कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो है कि पेज यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो आपको कुछ इस तरीके से ही ऐसा फ्रेश पेज बनाना है। अब बात आती है कि इसको अपलोड कैसे करना है, ताकि जो हमारा रील्स है वो वायरल हो, क्योंकि आपको पता है रील्स को अपलोड करने का सही तरीका आपको पता होगा, तभी आप लोग यहाँ से वायरल कर पाओगे। जस्ट आपको उस रील्स को अपलोड करने के लिए प्लस का एक आइकॉन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, स्टोरी के, रील्स के, अपलोड का और ये लाइव का। तो आपको क्या करना है, आपका जो वीडियो है वो रील्स वीडियो है, तो आपको रील्स फॉर्म में ही यहाँ पे अपलोड करना है, रील्स को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे से अगर आप रील्स पे सिलेक्ट करके अगर रील्स को अपलोड करते हो तो फेसबुक को पता चलता है कि भाई आपका रील्स वीडियो है, और आपको पेज वीडियोस को थोड़ा ज्यादा रीच मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फेसबुक के एल्गोरिथम को चेक करते हैं। यहाँ पे इस रील्स को सिलेक्ट करना है जो आपका रील्स है, यहाँ पे जो अभी हमने डाउनलोड किया था, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे डिस्क्राइब योर रील, यानी कि रील के बारे में कुछ बताओ, और उसके बाद लिखा है यू कैन आल्सो एड हैशटैग हियर, मतलब कि हैशटैग जरूर लगाना, ठीक है, हैशटैग जरूर ऐड करना, ताकि आपका जो है कि रील्स वायरल हो। फेसबुक खुद बताता है कि हैशटैग लगाओ, तो अब यहाँ पे हैशटैग लगाना तो बहुत ईजी है, लेकिन इस टाइप के रील्स में जो पॉपुलर हैशटैग है, जो ट्रेंडिंग हैशटैग है, जो कि इस टाइप के रील्स को बूस्ट देगा, वो क्या है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखो कि कौन कौन सा मैं यहाँ पे टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एक प्लस पॉइंट होगा कि भाई आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें पॉपुलर हैशटैग क्या है, जिससे कि आप लगा के अपने रील्स को वायरल कर सको। तो यहाँ पे पहले रील्स के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे फनी फनी रील्स, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा फनी रील्स वॉच टिल एंड, और यहाँ पे एक इमोजी लगा देंगे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हंसने वाला इमोजी लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट, और यहाँ पे एंटर कर करके यहाँ पे ये देखो हैशटैग का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो हैशटैग, इस वाले बटन पे आपको टैग करना है। यहाँ पे आपको लिखना है कॉमेडी, COMEDY कॉमेडी, कॉमेडी। जैसे आप कॉमेडी लिखोगे तो यहाँ पे देखो कॉमेडी पे कितने पोस्ट है, 80 मिलियन। जस्ट यहाँ से फिर से हैशटैग ले लेना है एक बार, यहाँ पे लिखना है रील्स, एंटर कर देना है रील्स को दबा के, फिर से यहाँ पे हैशटैग लिखना है, हैशटैग लिख के यहाँ पे लिखना है फनी रील्स, फनी फनी मीम, फनी वीडियो, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखना है हैशटैग, यहाँ पे लिखना है फनी फनी। यहाँ पे जैसे आप फनी लिखोगे तो कुछ ऐसा, यहाँ पे देखो 1.7 बिलियन पोस्ट है, ये नीचे वाले को टैग कर लेना है। फिर से यहाँ पे हैशटैग लिखना है, यहाँ पे लिखना है FUNNY फनी, यहाँ पे लिखना है शॉर्ट्स, यहाँ पे देखो फनी शॉर्ट्स, यहाँ पे फनी फनी रील्स, फनी मेम्स, तो आपको क्या लिखना है फनी रील्स। जैसे यहाँ पे फनी रील्स पे हमने सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आ गया। अब आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स कहेंगे कि भाई ये फनी फनी फनी, यानी कि 3 आपने फनी कीवर्ड लगाए यहाँ पे, और ऊपर भी जो डिस्क्राइब योर इशू लिखा है जो रील्स के बारे में, उसमें भी फनी ऐड किया, तो इससे क्या पता चलता है कि हैशटैग भी हमारा फनी है, टाइटल भी हमारा फनी है। इससे यूट्यूब फेसबुक के एल्गोरिथम को क्या पता चलता है कि ये जो रील्स है वो कॉमेडी है, यानी कि कॉमेडी रील्स है, और वो जो कॉमेडी रील्स देखते हैं उसके सामने देना है। तो यहाँ पे जस्ट आपको शेयर नाउ का एक ऑप्शन आएगा, जस्ट यहाँ पे शेयर कर देना है, और ये ऐसे ही आपको रील्स यहाँ से डाउनलोड करना है। इस ऐप का जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाओ, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे जस्ट मैंने पूरा एकदम अपलोड करके रखा है। आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर लो भाई, उसके बाद अनइंस्टॉल कर देना, और क्या, वहां से डाउनलोड कर लो। इस तरीके से आप जो है कि इस रील्स, इस ऐप का जस्ट रील अपलोड करके अर्निंग कर सकते हो। कितना आसान प्रोसेस था ना दोस्तों। इस वीडियो को मैंने सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स, जो कि नए क्रिएटर्स हैं, उनके लिए मैंने बनाया, और यहाँ से आप मल्टीपल रील्स को यहाँ पे डेली डाउनलोड करके 5 से 6 डालो। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 8 बजे डाल देना, 6 बजे डाल देना, फिर रात को डालना 6 बजे के बाद, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि डेली के 5-6 अगर आप रील्स डालते हो तो 100% 1 महीने के अंदर आपको एड्स ऑन रील मिल जाएगा। और तो आप इन स्ट्रीम एड से भी इसको मोनेटाइज कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अगर आपका रील्स जितना ज्यादा ग्रो होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर नया सीखने को मिला है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।